मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम की चर्चा कर लेते हैं। साइबर ठगी से परेशान है लोग, लेकिन इसकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर अब चिंतित नजर आ रहे हैं, और चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में साइबर ठगी इतनी बढ़ गई है कि आम जनता तो छोड़िए, जनप्रतिनिधियों के बेटे तक को लूट लिया जा रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में शांत प्रदेशों के रूप में पहचाना जाने वाला मध्य प्रदेश अब साइबर ठगों का गढ़ बनता जा रहा है। हर महीने पुलिस थानों में हजारों केस दर्ज हो रहे हैं। उधर साइबर ठग दूर दराज क्षेत्रों में बैठकर लोगों का अकाउंट खाली कर रहे हैं। पिछले 5 सालों के डाटा पर नजर डाला जाए तो MP में साइबर क्राइम साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। इन फ्रॉड्स के इरादे और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अब वो आम जनता के साथ साथ नेता और पढ़े लिखे अफसरों को भी चूना लगा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने अब मोहन यादव सरकार की मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को ठग लिया है। साइबर ठगों ने मंत्री के बेटे को लाखों का चूना लगाया। उनसे ठगों ने 3,19,000 रुपए की ठगी की है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिस्टर आर के यादव का कॉल आया था और पूछा था कि आप लीवर सप्लाई करते हैं क्या। उस पर से इनके द्वारा उससे बातचीत हुई और उस पर उसने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजकर लगभग 3.20 लाख 3,20,000 रुपये इनसे ट्रांसफ़र करवाए। उसके बाद जब आवेदक को यह ज्ञात हुआ कि कुछ फ्रॉड किया गया, उसके बाद उसने जो रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उस पर से उन्होंने यहाँ पर शिकायत की थी, जिस पर थाना साइबर क्राइम में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो जी, साइबर क्राइम टीम द्वारा ये जो सैफ अली चाऊस है वडाला के, जिनके खाते में पैसे गए थे, जिनके द्वारा DCP क्राइम की फर्जी ID बनाई थी, इनको गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे क्राइम को देखकर अब मोहन सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पर अब संज्ञान लेते दिखाई पड़ रहे हैं। वे अचानक डिपो चौराहा स्थित साइबर सेल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर फ्रॉड को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम जानकारी दी। पिछले महीने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात पे विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे। बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जा करके पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को लेकर एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि पिछले 5 साल में प्रदेश में तेजी से साइबर अपराध बढ़ा है, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त अमला और सुविधाएं नहीं होने से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अचानक से आज साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर फ्रॉड को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। आपने रिपोर्ट में बार बार सुना कि प्रदेश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो चलिए जान लीजिए, आंकड़े देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पिछले 5 साल के डाटा है हमारे पास, उसमें नजर डालिए। प्रदेश में साइबर अपराध की शिकायतें 2019 से लेकर 2020 में साइबर क्राइम के 4,407 अपराध दर्ज हुए। 2020 से लेकर 21 में साइबर ठगी के 32,187 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो वहीं 2021 से लेकर 22 में 38,900 मामले सामने आए। देखिए कैसे साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। 2022 से लेकर 2023 में 87,000, आप सोच रहे हैं आंकड़ा कितना बड़ा है। तो 87,700 मामले साइबर क्राइम के दर्ज हुए और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2023 से 24 में 1,00,000 के पार पहुंच गए आंकड़े और 3,20,000 के साइबर क्राइम के दर्ज हो गए हैं, जिसको लेकर अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। 5 सालों में
4000 से सीधा 3 लाख पार। कितनी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है।